तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मिलन एसएलएलकॉम की तरफ से। हमारे साथ है दुर्गेश सर। हेलो सर। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट है जो आज हमारे लास्ट डे है, और लास्ट डे में आना बहुत मुश्किल होता है हर एक स्टूडेंट के लिए। हर एक इंस्टीट्यूट में लास्ट डेट में जो रिव्यू है ना, नहीं लिया जाता है मेरे हिसाब से। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? सर, मेरा नाम लकी सोलंकी है, मैं एमपी गुना से हूँ। आप बताइए कि डे वन से लेकर अभी तक आपका सफ़र कैसा रहा, आपका देव सर के साथ का कैसा रहा सफ़र, दुर्गेश सर के साथ कैसा रहा और मेरे साथ भी कैसा रहा? सर, वैसे मैं बोलने को मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे फील्ड की नॉलेज नहीं थी। तो सर, बेसिक जो बेसिक होता है सर, स्टूडेंट को लगता है पता नहीं कैसा कैसा क्या होगा। तो मेरा यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा बहुत नेक्स्ट लेवल रहा, बहुत बेबी स्टेप से मैंने हर एक स्किल को अचीव किया यहाँ पर। सर, आप लोगों की मदद से, आप लोगों की जो बहुत मेहनत थी, आपने सबका निचोड़ हम स्टूडेंट को दिया, जिससे हमारी जर्नी जो थोड़ी आसान हो। और सर, हर सर का सपोर्ट हैंड स्किल में, प्रैक्टिकल में, हर चीज़ को। ऐसा नहीं कि इस बोर्ड में ऐसा होता है कर लेना तुम, बजा के हमें दिखा। हर चीज़ जब तक यहाँ प्रैक्टिकल नहीं की जाती तब तक ना सर को संतुष्टि होती है और स्टूडेंट को तो वैसे भी नहीं होती है। सर, EMMC चेंज हो गया, जो भी चीज़ें ये सारी चीज़ आपने लाइव देखा। सर, EMMC चेंज आपने बहुत नेक्स्ट लेवल की सिखाई है। सर, आपने कोई गुंजाइश ऐसा केस नहीं छोड़ा जो केस स्टडी हमने ना किया हो। आपने बिल्कुल पहले थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हमें जो हमारे सेट थे उन पे सर लाइव काम करके हर सेट का जो फॉल्ट था वो सर हमें समझाया। और सर, सॉफ्टवेयर का तो सर एक भूत ऐसा लगता था, पता नहीं सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है। हम इस फील्ड में नहीं थे तो सॉफ्टवेयर नाम सुनते थे, पता नहीं कोई डेवलपर या कोई करते होंगे सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ सर 2 GB की डाटा में सर ने सारे सॉफ्टवेयर को छोड़ के साइड में कर दिया। थैंक यू देव सर, थैंक यू मिलन सर, थैंक यू MD सर, थैंक यू दुर्गेश सर, एंड थैंक यू ऑल स्टाफ। थैंक यू। तो आप कहाँ से, आपका नाम? और मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं राजस्थान से हूँ सर। आपको मैं वही पूछना चाहूँगा कि डे वन से अभी तक कैसा रहा आपका सफ़र पूरा ऑल ओवर? सर, मैं जहाँ जहाँ अटकता था ना, मेरे को ऐसा लगा एक तरह से मेरे को कुछ भी नहीं आता। तो मैंने जैसे ज्वाइनिंग किया ना, तो मैंने बेबी स्टेक्स से ही स्टार्ट किया यहाँ से, जैसे फर्स्ट डे से। तो जो जो मेरा डाउट था वो 110% यहाँ सॉल्व हुआ है सर। चाहे वो कोई सा भी डाउट हो, चाहे EMMC का हो, चाहे वो पावर का हो, चाहे डाटा सीट का हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को पता नहीं थी। बहुत सारी क्या, मैं तो 20% भी पता नहीं था सर मेरी नॉलेज में। तो जो भी स्टूडेंट आधी अधूरी नॉलेज के लिए बैठा है तो उसको परफेक्ट होना जरूरी है इस लाइन में। जब तक परफेक्ट नॉलेज नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है सर। आधी नॉलेज बिल्कुल ख़राब है सर। मुझे बताइए यहाँ पे आपको क्या खास लगा, ऐसा कुछ जो आपको लगा नहीं यार बहुत बढ़िया है यार? यहाँ पे हर चीज़ बेस्ट है सर, पढ़ाने का सभी का तरीका अलग अलग है, सभी का प्रैक्टिकल लाइव। ये नहीं है कि एक फ़ोन बना दिया, हाँ बना लेना आप लोग, ऐसे नहीं है। जब तक लाइव नहीं बनाएंगे स्टूडेंट नहीं बनाएंगे, जब तक टीचर जी को संतुष्टि नहीं मिलती बिल्कुल भी। मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई बोलता है कि भाई मेरे यहाँ जो है 5 सेकेंड में पेस्टेड IC क्लीन हो जाता है, आप कितने सेकंड में कर सकते हैं? हम 2 सेकंड में भी कर सकते हैं ना सर, करने में कोई दिक्कत नहीं है। जितना हैंड स्किल अपना ही रहेगा ना, जितना बहुत बड़ा रहेगा सर। क्योंकि हमें इस तरीके से काम करना है जो फास्ट हो प्लस सेफ भी हो। अगर हम इस तरीके से काम कर रहे हैं और हमारी काम तो फास्ट हो रही है सर, लेकिन काम आ रही है हमारी खराब हो रही है, 10 में से 8 IC सही आ रहा है, 2 IC खराब निकल जा रहा है, तो कोई मतलब का नहीं है ना हमारे। तो 10 के 10 चाहिए निकलने चाहिए सर। बाकी मैं सॉफ्टवेयर की नॉलेज कैसा रहा और हमारी EMMC चेंज या पेस्टेड IC में कैसा रहा? सॉफ्टवेयर में से पहले क्या होता था, जैसे कोई भी फाइल लोड करनी है तो 5 फाइल लोड करेंगे, तो 5 में से 4 में तो पता ही नहीं है कौन सी फाइल चढ़ानी है फ़ोन के अंदर। अब परफेक्ट नॉलेज है, हम मॉडल नंबर देखेंगे, उसी के बाद एक फाइल डाउनलोड करेंगे, उससे में हमारा सक्सेसफुली काम हो जाएगा। और EMMC का फॉल्ट ये आते थे सर, पता ही नहीं चलता था रिपेयर कैसे करें उसको, बस स्टेप कैसा करें, है ना, बूट लोडर अनलॉक कैसे करना है, और EMMC रिपेयर कैसे करी जाती है, चेंज कैसे करी जाती है, पहले स्टेप पता ही नहीं था ना सर। डेढ़ हो जाते थे फोन, बना ही नहीं पाते थे, रिटर्न देते थे सर। अब नहीं है, अब कोई सा भी फ़ोन हो पहले फर्स्ट आई स्कैन करेंगे, उसको डायग्नोस करके फिर चेक करेंगे कंप्लीट, उसके बाद फॉलो करेंगे स्टेप सर। चलो, थैंक यू वेरी मच सर। आपका नाम क्या है और कहाँ से? मेरा नाम जय सर, मैं राजस्थान से हूँ। बताइए एक्सपीरियंस का सर। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं SATLCOM आया जी, क्योंकि यहाँ के जो टीचर की टीम है बहुत बेस्ट है। यहाँ से बेस्ट टीम हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो लोग अपना समय और अपना पूरा ज्ञान स्टूडेंटों को देते हैं, उनके लिए सोचते हैं सर। हमारी, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट को जानता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट में एक चीज़ है वो है डिसिप्लिन। बहुत बढ़िया सर। डिसिप्लिन मैं कहता हूँ कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोई इंसान सीख ही नहीं सकता सर। बिल्कुल। और यहाँ टीचर लोग डिसिप्लिन भी सिखाते हैं प्लस नॉलेज भी पूरी देते हैं।
और जो भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे वो सारे चीज़ लाइव प्रैक्टिकल होता है कि ओनली थ्योरी थ्योरी होता है? नहीं सर, पूरा प्रैक्टिकल होता है, मतलब थ्योरी तो कम होता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने पूरा प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल कराया सर, और इतने बढ़िया तरीके से समझाया ना सर कि कोई चीज़ को नहीं समझ सकता, और हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम जितने बढ़िया तरीके से समझाया। आने वाले टाइम पे आप क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपने? सर हमारी फ्यूचर प्लानिंग जैसे देव सर ने बताया उस हिसाब से हमारी फ्यूचर प्लानिंग है सर, हम उनके नक्शे कदम पे जैसे उन्होंने बताया उनकी गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे और अच्छा करेंगे। इधर आइए। तो आपका नाम क्या है और कहाँ से है? सर मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं कितने दिन से काम कर रहे हैं? राजस्थान से हूँ मैं, 7-8 साल से काम कर रहा हूँ जी। आपका तो थोड़ा एक्सपीरियंस? हाँ सर, मैं कहना चाहूँगा हार्डवेयर में पहले भी करता था जी। तो मुझे यहाँ आके पता चला कि जो काम मैं हार्डवेयर पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ वो दो यहाँ के नॉलेज का 2% भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। और यहाँ आके मुझे पता चला कि यहाँ मोबाइल का मतलब इतना डीपली नॉलेज दिया जाता है सर, चाहे वो हार्डवेयर के टीचर हो चाहे सॉफ्टवेयर के टीचर हो, दुर्गे सर के साथ साथ बाकी की पूरी टीम भी इतनी मेहनत करती है, अपना 101% पूरा देती है। मैं तो कहूँ जितना सीखा जाए इनसे उतना कम है, और पूरा 100% वो देते हैं, पूरी मेहनत के साथ सिखाते हैं, और आगे भी हमें उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, हमें पूरा सपोर्ट रहेगा उनका सर। और हर एक चीज़ की ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ की पूरी बारीकी से उसको समझना देखना पूरा नज़रिया चेंज कर देते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। 100% पूरा देते हैं सर। आपका नाम और कहाँ से? मेरा नाम तरुण गर्ग है, मैं राजस्थान में। बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, 0 से 100 की नॉलेज मिली है इधर। अगर मैं शायद और कोई इंस्टीट्यूट में जाता या पैसे खर्च करता तो मुझे कोई नॉलेज नहीं मिल पाता, इधर मैं आया बहुत अच्छा है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि? देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि आप जिस बैच में हैं आप फ्रेशर हैं क्या? जी नहीं मैं फ्रेशर तो नहीं हूँ, मोबाइल का काम। कितने दिन से काम कर रहे हैं? जी मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। 5 साल? यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 10 साल से या 12 साल से भी काम कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि वो लोगों से आप में कुछ डिफरेंट महसूस हो रहा है? नहीं सर कोई डिफरेंट नहीं महसूस हो रहा है, सब बराबर है अभी। सब बराबर है। आगे चलकर प्रैक्टिस आप किस हिसाब से कर पाएंगे, मैं जानना चाहता हूँ आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं होगा, आप कितनी भी मैं अच्छे तरीके से पढ़ा दूँ आपको, आप वो 2-3 महीने बाद आप वो भूल जाएंगे। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ आगे चलकर आप प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे? जी सर आपने एक हमको बताया गाइडलाइन कैसे करना है, 3 महीने तक कैसे रखना, फिर बैकअप क्लास में आना है इधर, तो उसी हिसाब से चलना है, कस्टमर के मोबाइल से हाथ नहीं लगाना है, ये बोला आपने, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े अपने आप पर। बिल्कुल, क्योंकि हमें इस तरीके से काम करना है, हमें आगे की सोच के काम करना है। बिल्कुल आगे की सोचना है, और आगे सोचना है, और सोच के ही काम करना है। हम अगर अभी से चले जाएंगे तो हो सकता है हम डीमोटिवेट हो जाए। जी अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ पे जितने भी क्लास हुआ है, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, वो MMC हो, वो ड्यूल डेकर हो, ब्लैक पेस्टेड हो, नॉर्मल पेस्टेड हो, व्हाइट पेस्टेड हो, येलो पेस्टेड हो, ये सारा काम ऑन द लाइव आप ही लोगों की फ़ोन में हुआ है? जी हमारे फ़ोन में हुआ है, सारा प्रैक्टिकल हुआ है, पूरे दिन प्रैक्टिकल चलता है, थ्योरी तो पढ़ाते हैं फिर प्रैक्टिकल होता है पूरा। चलिए थैंक यू वेरी मच। और एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कुमार है सर। धीरज जी कहाँ से हैं आप? मैं बिहार पटना से हूँ सर। बताइए एक एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, और आप कितने दिन से इस लाइन में काम कर रहे हैं? मैं सर फ्रेशर हूँ सर, मैं ज़्यादा दिन से नहीं, 2-3 महीने से दुकान पे बैठा रहता था, तो थोड़ा बहुत हमको नॉलेज था बस कि मोबाइल वगैरह है, जो मोबाइल वगैरह बनता है तो उसके लिए। आपके पास टूल्स भी अभी अवेलेबल नहीं है? टूल्स भी अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है सर, तो मैं यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले टूल्स भी खरीद लूँगा। यहाँ आने का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा सर कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है, सबसे पहले हार्डवेयर का नॉलेज दिए, हार्डवेयर के बाद अगर मान लेते हैं हार्डवेयर के बाद डायरेक्ट अगर MMC अगर कोई सिखाता तो बंदे का पल्ले ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा अगर नॉलेज नहीं जानेगा, कंप्यूटर चलाना नहीं जानेगा, तो MMC को कैसे चेंज कर पाएगा, हाथ ही उसका कांपेगा। इसीलिए हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर के बाद MMC, तो ये तीनों पूरा कंप्लीट पैकेज मिला करके हम लोग को ट्रेन कर दिया गया है। अब उसके बाद हम लोग का प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम लोग अच्छे से अगर प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग अपने लाइफ में आगे जाकर बहुत सक्सेस करेंगे। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच आप सभी को, और मैं आशा करता हूँ आप अपने एरिया में जाएंगे और अपना नाम खूब बनाएंगे। एशिया टेलीकॉम की पूरी टीम आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा हुआ है। अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा।
क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीखो निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं? क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सॉल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सॉल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी।